पहली तस्वीर मैनपुर कला नाला की है। यहाँ 90 के दशक में बनाया गया पुल 7 साल पहले ढह गया। पुल के लिए ग्रामीण लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन पुल अब तक नहीं बन पाया। पिछले 4 दिनों से यहाँ बहाव तेज है और हालात ऐसे हैं कि शुक्रवार को मैनपुर कला के रहने वाले भूपे नागेश की मौत के बाद ग्रामीणों को उफनते नाले को पार कर शव का अंतिम संस्कार करने जाना पड़ा। पुल न होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। आज जिस चीज का अंदेशा था आखिरकार वही हुआ। लगातार हमने पुल पुलिया का मांग किया, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। नदी में रात को अचानक बाढ़ आया, जिसके वजह से गांव पूरा टापू बन गया और हम रात को उस युवक को इलाज कराने के लेके नहीं जा सके, जिसके वजह से आज उस युवक की मौत हो गई। अब ये दूसरी तस्वीर भी देखिए। ये तस्वीर है शोभा थाना क्षेत्र के बाघ नाले की। छिंदभर्री से चिपरी जाने वाले रास्ते में बाघ नाला उफान पर है। इसी बीच शुक्ला भाटा निवासी बोधन राम कृषि यंत्र लेकर गांव जा रहा था, जिसका ट्रैक्टर ही बाघ नदी में फंस गया। यही नहीं, 15 दिन पहले भी इस इलाके में सोधो नदी के तेज बहाव में 2 किसानों के ट्रैक्टर फंसे थे, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। अकेले मैनपुर इलाके में ही 5 बड़े नाले हैं जो लोगों के लिए आफत बने हुए हैं। यहाँ पुल की मांग को हर बार अनसुना किया जा रहा है। 5ों नदियों के लिए शासन से पुल निर्माण हेतु राशि स्वीकृति हो चुकी है, परंतु पुल नहीं बनने से बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। खास करके बरसात के दिनों में जो है पूरी तरह से ब्लॉक मुख्यालय से जिला मुख्यालय से लोग कट जाते हैं और राशन सामग्री से लेकर के स्कूली छात्र छात्राओं को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो देखा आपने कि किस तरह लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। अब ये तीसरी तस्वीर भी देखिए, जोमली पदर तहसील के खैरा नाला की है। यहाँ कोतरा डोंगरी, टेकिन पारा और खोल बहारा में रहने वाले बच्चे खरी पथरा स्कूल पढ़ने आए थे। ये बच्चे स्कूल तो पहुँच गए, लेकिन लौटते वक्त अचानक नाले का जलस्तर बढ़ गया और ये बच्चे वहीं फंस गए। शनिवार को फंसे बच्चों को दूसरों के घरों में रोका गया और फिर आज पानी कम होते ही सुबह वापस उनके घर छोड़ा गया। इसकी जानकारी जैसे हमको मिला तो कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार हमें सभी जगह बाढ़ के स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए स्थानीय सरपंच हैं और कोटवार पटवारी के माध्यम से हमें सतर्क होकर के उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देते हुए कार्यवाही करने के लिए निर्देश है। बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा में 15 से ज्यादा नाले हैं, जिन पर पुल बनाना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कभी पुल बनाने की बात ना कही गई हो। चुनाव के समय यहाँ के लोगों से कई वादे भी किए गए, लेकिन इस इलाके की खराब किस्मत कहें या जिम्मेदारों की अनदेखी, जिसने यहाँ के विकास को अधर में छोड़ दिया। बारिश के दिनों में आज भी तस्वीर सालों पुरानी लगती है, जो विकास के दावों की पोल खोल देती है। विकास में पिछड़ी बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा को लेकर क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक का क्या कहना है, वो भी सुनिए। बजट सत्र में हम लगभग 11 से 12 नदी नाला के लिए पुल के लिए मांग किया गया था बजट सत्र में। उसमें लगभग 7 पुल का सेंक्शन हो चुका है और आने वाले कुछ दिनों के बाद उसका टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। इस विधानसभा के ज्यादातर ग्रामीण अव्यवस्थाओं के चलते परेशान हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, खासकर यहाँ के किसान, जिन्हें नालों के उफान पर आने से कई तरह की परेशानियां होती हैं। गरियाबंद जिले में कुल औसत बारिश से आधा से ज्यादा बारिश पिछले 1 सप्ताह में हो गई है। अब तक 563 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसमें मैनपुर, देवभोग और छुरा विकासखंड में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। और पिछले 3 से 4 दिनों में कई सारे पुल पुलिये, बरसाती नाले इस तरह से उफान में हैं कि आवागमन बाधित हुआ है, जीवन अस्त व्यस्त हो चुके हैं। देख सकते हैं ये नाला है, इसकी उस पार 36 गांव भी मौजूद है। इसे बिलाट नाला कहा जाता है और ये यहाँ की नज़ारा आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग मुख्यालय तक नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ के युवक मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कब से ऐसी स्थिति देख रहे हैं आप यहाँ पे। हम जब से पैदा हुए हैं तब से यही स्थिति बना हुआ है। जब पानी गिरता है तो रातों रात एक ही रात में पूरे इतने बाढ़ आ जाते हैं कि आना जाना हमारा असुविधा होता है। कई बार सुविधाओं की गुहार लगा चुके ग्रामीणों को इन असुविधाओं में रहने की आदत सी हो गई है। आजादी को सालों बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ विकास की राह तक नहीं पहुँची। इन तमाम परिस्थितियों और परेशानियों के उभर कर आने वाले इन तस्वीरों के बीच कहा जा सकता है कि किस तरह से विकास के दावे यहाँ किए जा रहे हैं और ग्राउंड में किस तरह से विकास की स्थिति, किस तरह से तस्वीर यहाँ पे है। अब लोगों को इस इलाके की तस्वीर बदलने का इंतजार है। देखना होगा कि कब तक ऐसी स्थिति में गुजर रहे लोगों को राहत मिलेगी। पुरुषोत्तम पात्र, विस्तार न्यूज़, गरियाबंद।